तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है सुपर सॉफ्ट टेस्टी इडली और ये है वेजी इडली। बिल्कुल सब्जियों से भरी हुई इडली है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अगर आप भी इस तरीके से सॉफ्ट और हेल्दी रेसिपी बनाना चाहते हैं और वेजी इडली बनाना चाहते हैं तो जरूर से इस रेसिपी को देखिए, वीडियो तक कंटिन्यू बने रहिएगा। और अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल विदान किचन इंदौर जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं सुपर टेस्टी एंड सॉफ्ट वेजी इडली। हाय फ्रेंड्स, मैं विमला, मेरे विदान किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेजी इडली। हम सभी को इडली सांभर बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अगर आप कभी आपको बहुत जल्दी हो और समय कम हो तो आप वेजी इडली बना सकते हैं और इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है हेल्दी ब्रेकफास्ट का। तो वेजी इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियां ली है जो कि घर पे आसानी से मिल जाएंगी, जो भी आपके घर में सब्जी हो। तो मेरे पास अभी ये कैबेज था तो मैंने इसे बारीक चॉप कर लिया है, और यहाँ पे अदरक और हरी मिर्च ली हुई है और थोड़ा सा कैप्सिकम और ये हरे मटर। तो अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस हरे मटर को एक ग्राइंडर जार में क्रश करेंगे और साथ ही हम इसमें अदरक और हरी मिर्च को भी ऐड करेंगे और ये मटर को। तो इसे हम दरदरा अच्छे तरीके से दरदरा पीस लेंगे। यहाँ पर मटर और अदरक हरी मिर्च को हमने क्रश कर लिया है, इस तरीके से हमें इसे क्रश कर लेना है, ये देख रहे हैं ना। तो इसे मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। वेजी इडली बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे इडली मिक्स। तो इडली मिक्स इजिली मार्केट में मिल जाता है, आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मैं यूज कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर, अदरक और हरी मिर्च जो हमने दरदरा पीसा हुआ है, उसे ऐड कर लेंगे। सब्जी आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो यूज कर सकते हैं, बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, कैबेज, कैप्सिकम, इन्हें अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे पहले। इसमें ऐड करेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा गरम मसाला। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए एक बैटर रेडी करेंगे। एक बार में ज्यादा पानी आपको ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके आप मिक्स करते जाएं पानी के साथ और एक बैटर तैयार करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बैटर अच्छी तरीके से बन गया है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए यानी कि 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ढककर के रख देंगे, और उसके बाद अगर जरूरत लगती है पानी का तो हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसे चेक करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो बैटर यहाँ पे रेडी है और थोड़ा सा हम इसमें 1 से 2 चम्मच और पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा बैटर जो है वो परफेक्ट है, तो मैं इसमें और पानी ऐड नहीं करूंगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से गाढ़ा बैटर होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा ये गाढ़ा है ना ही बहुत ज्यादा लूज है। तो जैसा हमें चाहिए हमें वैसा ही बैटर है ये। तो अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल ऐड करूंगी। तो नॉन फ्लेवर ऑयल मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर। इससे क्या होगा, इडली हमारी बहुत ज्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा, बहुत ही ज्यादा यम्मी लगेगा। तो मिक्स कर लेंगे ऑयल को हम अच्छे तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस, हम लेंगे इडली का सांचा, इडली स्टैंड इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने इडली स्टैंड में पानी स्टीम होने के लिए ऑलरेडी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब इस इडली स्टैंड में हम ऑयल को ग्रीस करेंगे इस तरीके से, हम हाथों की हेल्प से फटाफट ये काम कर लेते हैं। इस तरीके से हम इडली स्टैंड को ग्रीस करेंगे ऑयल से, इससे हमारी इडलियां इजिली निकल आएंगी। इसे हमने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो अब मैं इसमें धीरे धीरे करके एक एक करके मैं आराम से इडली के बैटर को फिल करूंगी। तो यहाँ पे आपको ज्यादा बैटर फिल नहीं करना है, एक एक चम्मच भर करके आपको बस फिल कर लेना है।
इसी तरह से मैं इस दूसरे वाले में भी फिल कर लेती हूँ। इडली बैटर को हमने इडली स्टैंड में फिल कर लिया है, तो अब हम इसमें थोड़े से लाल मिर्च ऐड करेंगे इस तरीके से। तो ये देखने में भी जितने खूबसूरत लगेंगे, खाने में भी उतने ही यमी लगेंगे। और थोड़ा सा हम चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे ऊपर से। तो ये देखिए, तो ये रेडी है। और इसी तरह से हम इसे भी लाल मिर्च और चाट मसाला से स्प्रिंकल कर लेंगे। तो अब इडली जो है स्टीम होने के लिए तैयार है। तो हम स्टीमर को ओपन करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे। पानी बॉईल हो रहा है, अब एक एक करके हम इसे अंदर रख देंगे स्टीमर में। तो ये देखिए हमने इसे रख दिया है। तो अब हम इसे 7 से 10 मिनट के लिए ढक करके इसे स्टीम होने देंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारी इडली तैयार है या नहीं। तो ये देखिए ये क्लीन निकला है, इसका मतलब इडली हमारी तैयार है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इडली स्टैंड को हम बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इडलियों को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से स्पून को आगे पीछे खिसकाइए और इडली को बाहर निकाल लीजिए। तो ये देखिए कितनी प्यारी हमारी वेजी इडली। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इन इडलियों को प्लेट में सर्व करेंगे, गर्मा गर्म इडलियों को। तो ये हमारी वेजी इडली काफी टेस्टी और हेल्दी है। तो अभी इसमें एक ट्विस्ट है, हम इसमें लगाने वाले हैं तड़का, जो इसकी इडली के स्वाद को बहुत जबरदस्त बनाने वाला है। तो इसमें हम लगाते हैं तड़का। तो तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पे तड़का पैन चढ़ा दिया है और इसमें हम 2 चम्मच के करीब ऑयल ऐड करते हैं। उसके बाद हम 2 चम्मच के करीब हींग ऐड करेंगे इसमें और 1 बड़ा चम्मच व्हाइट सेसमी तिल ऐड कर देंगे। और साथ ही लाल मिर्च फ्लेम को ऑफ करते हैं। मिर्च भी अच्छे तरीके से सिक जाएगी और मिर्च को हमें जलाना नहीं है। और अब हम इसमें तड़का लगा देते हैं। इस तरीके से हमें तड़का रखना है। फ्रेंड्स, ये रही हमारी टेस्टी यम्मी डिलीशियस वेजी इडली। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए वेजी इडली, और ब्रेकफास्ट हो या डिनर आप हल्का लाइट इसे खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी है, और ना तो दाल भिगोने की झंझट है ना पीसने की। तो जरूर से बनाइए ये रेडी मिक्स इडली से। और अगर पसंद आया है तो रेसिपी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हाँ, चैनल विदान किचन इंदौर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन जरूर से ऑन करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।